हेलो फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए, ये मेरा कोलियस हैं, तीन चार पौधे हैं और ये कैसे हो गए, नीचे से काले काले हो रहे हैं और जलते जा रहे हैं और पत्ते भी बहुत मुरझाए से हो रहे हैं इसके और बहुत कम भी हो गए हैं। जब आपने देखा होगा, मैंने इनको रिपोर्ट किया था और ये मैंने कटिंग से ही लगाए थे और रिपोर्ट के समय कितने घने थे ये पौधे मेरे। तो बारिश का टाइम चल रहा था, इस समय तो अच्छे से होना चाहिए, अब किस वजह से हो रहा है। तो आज मैं इनको निकालूंगी और दोबारा से देखूंगी इनमें क्या हो रहा है। और चलिए फिर इनको निकालते हैं। और ये देखिए, मैं इनकी पूरी मिट्टी को निकाल दूंगी एकदम पूरी, और तो मैंने निकाल दी है। तो एक मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे निकाले और कितने आराम से निकल गए। और इनकी वो जो बीमारी थी वो भी हाथ में आ गई है। देखिए, ये पिंडी सी निकली है, तो इसकी जड़ कहीं नहीं बढ़ रही है क्योंकि ये मिट्टी चिकनी थी। तो जो कटिंग लगाई थी उन्होंने दूसरी मिट्टी में, तो ये चिकनी मिट्टी थी, तो इस वजह से ही ये बढ़ नहीं रहे। और मैंने ये हल्दी का पानी मग्गा में हल्दी डाल के और ये मैंने रख दी है थोड़ी देर, वो जो मिट्टी है वो भी साफ हो जाएगी और ये फंगस जो भी होगा इनमें तो ये ट्रीटमेंट भी हो जाएगा हल्दी से। और हल्दी से ही कर रही हूँ, मेरा अच्छे से हल्दी से मैंने इसकी जड़ को, जहां तक मैं मिट्टी में दबाऊंगी, पूरी को हल्दी से मैंने अच्छे से नहला लिया है सबको ऐसे ही। और थोड़ी सी मिट्टी इसकी मिट्टी में डाल दी है। और ये मिट्टी मेरी वही है जो कल मैंने बीज लगाने के लिए बनाई थी, वही मिट्टी है। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप देख लीजिएगा कि कैसी मिट्टी है। मुझे तो अच्छी लगी और आपको कैसी लगे तो बताइएगा कमेंट में लिख के। अगर ये अच्छी है तो मैं पूरी मिट्टी ऐसी ही बना लूंगी। ये देखिए, ये कटिंग मेरी पहले से ही लगी हुई है एक इसमें, और ये दूसरी कटिंग जो उसमें से टूट गई है, टूटी क्या, ये मैंने काट दी थी जो ज्यादा पीली गली हुई सी निकली, तो मैंने ये काट दी थी। तो इसको भी मैं इसी में लगा दूंगी और ये रिवर्स सेंट है, इसी में लगा दूंगी कटिंग को। और दो तीन छोटी छोटी सी टूटी हुई है उनको भी लगा दूंगी, अगर लगेंगी तो इसी में रख दूंगी। ये मेरा कटिंग का भी काम हो गया, इसमें बढ़ जाएंगे। वैसे तो मैंने तीनों पौधों की अलग से कटिंग लगा ली थी पहले ही, क्योंकि ये मुझे ऐसे लग रहे थे ये जाने वाले हैं, तो मुझे फिर सोचा मैंने इसको देखती हूँ, जा तो रहेंगे या तो बचेंगे या फिर लगेंगे, तो इनका ट्रीटमेंट करके देखी थी हूँ। फिर मैंने ये ऐसे ही, आज बारिश हो रही थी हमारे यहाँ तो मैं लग पड़ी इनको और ये मैंने लगा दी। ये मेरी कटिंग लग गई और उधर मेरे पौधे भी तैयार हो गए, सारे पौधे भी लगा दिए मैंने। अब एक पौधा मैं, जो मैंने भैया आए थे एक नर्सरी वाले जो डेरी ठेली लेके घूमते हैं बाइक पे हमारे यहाँ, तो वो भैया आए थे और उनसे मैंने एक कोलियस का पौधा लिया भी है। तो अब उसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, दो तीन दिन पहले लिया था तो वो रखा था ऐसे ही। तो आज का मौसम अच्छा है, कहीं दोबारा बारिश हो या ना हो, तो मैंने सोचा मौके का फायदा उठाती हूँ। तो इसको भी मैं इसी में रिपोर्ट कर देती हूँ, तो इसको भी मैं रिपोर्ट करने लग गई। और ये वैसे था तो ऐसा एक ही है पौधा, लेकिन मरा मरा सा पहले से ही था, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि ये इसकी पत्ती अलग लग रही थी, जो मेरे पास दो वेराइटी हैं उनसे ये अलग था। ये देखिए, इसमें भी मैंने ये डाल लिए हल्दी। ये है जो छोटा सा कोलियस है, ये 20 रुपए का लिया था मैंने, भैया 30 रुपए का बोल रहे थे लेकिन मैंने ये 20 रुपए का ले लिया। अब इसकी मैं हल्की सी पहले मैं वाली गलती नहीं करूंगी पहली वाली, क्योंकि मैंने ऐसे कैसे रख दिया था, तो इस बार मैं नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हटाइए। ये तो हमारे यहाँ यहीं की मथुरा की मिट्टी है, तो ये तो सही लग रही है मुझे, इतनी चिकनी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैंने हटा दी थोड़ी सी मिट्टी और हटा के इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये मेरी रिपोर्टिंग भी हो गई और पौधे भी लग गए मेरे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर कि अच्छी लगी या नहीं लगी, और मेरे पौधों के लिए सही है या नहीं। मैंने अगर कोई मुझे सोल्यूशन बताएं तो बता दीजिए, क्योंकि ये मेरे पौधे बच जाएं तो बहुत ही अच्छा है, यही है मेरे पास कोलियस और नहीं है। चलिए फिर, ये मेरे सारे पौधे देखो ऐसे लगा दिए मैंने। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर।